अगर आप भी एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, देन आपने फाई मनी और जुपिटर मनी के बारे में जरूर सुना होगा। जुपिटर मनी एंड फाई मनी आर बाय फार द बिगेस्ट नियो बैंक्स इन इंडिया। बट ये नियो बैंक्स होता क्या है, और क्या ये नॉर्मल बैंक्स की तरह है या कुछ अलग है इसमें, और मेरा पैसा इसमें सेफ तो रहेगा ना, और अगर नियो बैंक्स में से कोई चूज करना है तो क्या फाई मनी बेटर है या जुपिटर मनी। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में, जिन सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। सबसे पहले ये नियो बैंक होता क्या है। अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें तो इट इज लाइक अ डिजिटल ओनली बैंक। ऐसा कोई बैंक जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, आपके सारे काम मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाएंगे। इंडिया में इसको थोड़ा सा लूजली यूज किया जाता है इस पूरे टर्म को। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इंडिया में किसी भी कंपनी को बैंक बनने से पहले आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ता है, और दोनों फाई मनी एंड जुपिटर मनी के पास आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ऑल्दो उन्होंने ये बात अपनी वेबसाइट पे बहुत ही क्लियरली मेंशन की है। सो मतलब क्या है दोनों फिर ये, लाइक व्हाट आर दे एग्जैक्टली। सो बेसिकली इन फिनटेक कंपनीज ने फेडरल बैंक के साथ टाइप किया हुआ है। सो अगर आप बिल्कुल बेस लेवल पे समझने की कोशिश करें, सो फाई मनी एंड जुपिटर मनी फेडरल बैंक की सर्विसेज अपनी ऐप पे दे रही है। इसका मतलब है कि आपका जो एक्चुअल अकाउंट है वो फेडरल बैंक में ही खुलेगा, आपको डेबिट कार्ड भी फेडरल बैंक का ही मिलेगा, और आपका पैसा भी फेडरल बैंक में ही रहेगा। एक सेकेंड, तो अगर दोनों का बैकएंड इज द सेम विच इज फेडरल बैंक, तो दोनों में क्या ही फर्क है, सेम ही हुए ना। बट ऐसा नहीं है। इवन दो दोनों फेडरल बैंक से टाइड अप है, उनका बेस अकाउंट इज फेडरल बैंक, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। फॉर इंस्टेंस सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो जुपिटर मनी में, जुपिटर बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, वेयरएज फाई मनी में सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। फाई मनी स्टूडेंट्स के लिए भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसमें अभी टाइम है। सो दोनों के एड ऑन एक्सपीरियंसेस, आपका यूजर एक्सपीरियंस, बेनिफिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा में बहुत फर्क है, एंड सब पॉइंट्स को एक एक करके इस वीडियो में कंपेयर करेंगे सो दैट यू कैन नो कि आपके लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। जुपिटर मनी के साथ आप दो टाइप के अकाउंट्स खोल सकते हैं, एक है आपका नॉर्मल अकाउंट और एक है आपका जुपिटर प्रो सैलरी अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट, प्रो सैलरी अकाउंट इज फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, एंड सिंस फाई मनी इज ऑल्सो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, इट मेक्स सेंस टू कंपेयर फाई मनीज सैलरीड अकाउंट टू जुपिटर मनीज प्रो सैलरी अकाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव कंपेयर्ड बोथ द अकाउंट्स ऑन 6-7 डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे फाई मनी का सेविंग्स अकाउंट थोड़ा वीक लग रहा है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स नहीं है। डेबिट कार्ड एंड यूपीआई का 1% कैशबैक वाला भी बेनिफिट उसमें नहीं है। जुपिटर मनी में 1,00,000 से ऊपर 3.5% का फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फीस लगता है, वो फाई मनी के केस में नहीं लगता है। एज ऑफ नाउ जुपिटर मनी फाई मनी से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब इन दोनों के एड ऑन फीचर्स का कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ अस यूज नियो बैंक्स। इन दोनों का एक बहुत कूल फीचर है, विच इज द एबिलिटी टू सेव मनी अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। जुपिटर में इस फीचर को बोलते हैं पॉट्स, एंड फाई मनी में इस फीचर को बोलते हैं जार्स। दोनों एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है, बट दोनों में एक बहुत सटल सा डिफरेंस है। जुपिटर में आप जो अलग से गोल्स के लिए पॉट्स बनाते हो, उसमें आपको सेव करने के लिए 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, वेयर एज आप जब फाई मनी में जार्स बनाते हो वही इंटरेस्ट हो जाता है 5.1%, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस। सो आपके गोल्स के लिए फाई मनी में आपको बहुत ज्यादा बेटर रिवॉर्ड्स मिलते हैं एज कंपेयर टू जुपिटर मनी। अब देखते हैं दोनों की ऑनबोर्डिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है। देखिए जहां तक बात है ऑनबोर्डिंग की, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज दोनों का जो बैकएंड है वो फेडरल बैंक ही है। सो दोनों केसेस में केवाईसी फेडरल बैंक से ही होगी। यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उसके लिए दोनों एप्स की गूगल रेटिंग्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। फाई मनी के नंबर ऑफ डाउनलोड ज्यादा होने के बाद भी इट हैज स्लाइटली बेटर रेटिंग्स देन जुपिटर, ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। दोनों के ऐप साइज में भी काफी फर्क है, जुपिटर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ फाई मनी। सो यूजर एक्सपीरियंस में इट सीम्स दैट फाई मनी इज स्लाइटली बेटर देन जुपिटर। वन एड ऑन फीचर ऑफ जुपिटर दैट आई पर्सनली लाइक इज दैट आप अपनी बाकी सारी यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स को जुपिटर के साथ लिंक कर सकते हो, एंड वो सारे बैंक अकाउंट्स आपको एक ही साथ दिख जाएंगे।
आपका नेटवर्थ, आपका प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा एटसेट्रा सब आपको एक ही बारे में दिख जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल्दो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन एक बार देखने से आपको पता चल जाता है अगर आप फाइनेंसिस में कहाँ स्टैंड करते हो। बाकी सब फीचर्स जैसे कि चार्जेस, फीस एटसेट्रा दोनों में सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही फेडरल बैंक से बैक्ड अप है, बैकएंड उनका फेडरल बैंक ही है एंड ये सारे चार्जेस फेडरल बैंक ही लगाता है। दोनों कंपनीज ने फंडिंग भी बहुत अच्छी रेज की है, दोनों की टीम्स रॉक सॉलिड है, सो इट्स रियली हार्ड टू पिक वन ओवर दी अदर। सो टू सम इट अप, ऑल्दो जुपिटर के प्रो सैलरी अकाउंट में फाइ मनी के सैलरी अकाउंट से ज्यादा फीचर्स है, बट इट लैक्स ऑन सम एस्पेक्ट्स लाइक रिवॉर्ड्स ऑन सेविंग्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। ऑल्दो आई पर्सनली यूज जुपिटर, सो मुझे तो इसका यूजर एक्सपीरियंस पसंद है, ऑल्दो दैट्स माई पर्सनल चॉइस। सो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए दैट आप कौन से नियो बैंक में अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं, एंड वी होप दैट हमने आपके इस डिसीजन में थोड़ी सी मदद तो की होगी। टिल देन, बी किफायती।